एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहली बार अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। इस बैठक में यादव ने अपनी प्लानिंग से भी मंत्रियों को अवगत करवाया। मोहन यादव मंत्रिमंडल की पहली बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। बैठक में सभी नए 28 मंत्री शामिल हुए। इस परिचायत बैठक में सीएम मोहन यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। यादव ने मंत्रियों को अपनी प्लानिंग से अवगत करवाया और कहा, आगामी लोकसभा चुनाव अति महत्वपूर्ण है और भाजपा का लक्ष्य 29 की 29 सीटें जीतने का है। उन्होंने सभी मंत्रियों से अपने अपने इलाके में एक्टिव और अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अपने इलाके में अब सब काम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ही करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की थी और वह बैठक विशुद्ध रूप से परिचयात्मक बैठक थी। सभी ने एक दूसरे का परिचय दिया और साथ ही साथ भविष्य की कार्य योजना पर विमर्श हुआ। हम सबका लक्ष्य 2024 में लोकसभा की 29 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले समय में पहली बैठक थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें प्रशिक्षण दिया है नए लोगों को सादगी पूर्ण तरीके से मध्य प्रदेश के विकास में चार चांद लगाए और जो नवीन विद्यार्थियों को सिखाया जाता है वो सीनियर प्रोफेसरों ने जो महाविद्यालय के सीनियर वो रहते हैं प्रोफेसर वो नए विद्यार्थियों कैसे सिखाते हैं वो सीखने को मिला है और आगे मध्य प्रदेश के विकास में आगामी योजनाओं को लेकर के और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के विभागों का निश्चित रूप से एक दो दिन में बंटवारा हो जाएगा और जो जिसको विभाग मिलेगा उसको हम तन्मयता से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रदेश के विकास में काम करेंगे। काफी सीनियरों का मार्गदर्शन मिलेगा, उनका अनुभव मिलेगा, काफी सीनियरों का अनुभव, उनके पास अनुभव का भंडार है, उसको अनुभव को का लाभ लेकर के मध्य प्रदेश के विकास में चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। अनौपचारिक बैठक थी और मुद्दा नहीं था, पहली परिचयात्मक बैठक थी और सामान्य रूप से मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा के अगले चुनाव के अंदर समय कम है तो सक्रियता से आगे बढ़ना है और उसमें जहाँ जहाँ जैसा संभव है उन सारे कार्यों को गति देने के बारे में। लोकसभा चुनाव का तो तैयारी में पार्टी पूरे मिशन मोड में है, काम पूरा चल रहा है और हमें सारे मंत्रियों को अपनी भूमिका निभाना, इसके लिए उन्होंने बताया कि सारे लोग अपने अपने क्षेत्र की लोकसभाओं की चिंता करना शुरू करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।